अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और मैंने यहाँ पे एयर कूलर भी चलाया हुआ है अपने इन परिंदों को संभालने के लिए कि इनको गर्मी ना लगे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि डायमंड डव भी अंडों पर बैठी हुई है और ये फिंचेस बचेज वगैरह जो है इनको ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल ठीक है। इनका दाना पानी ज़रा ख़त्म हुआ है, दाना पानी डाल लेते हैं। कबूतर भी माशाल्लाह ठीक ही हैं फ़िलहाल, तो दाना पानी इनको भी डाला हुआ है। मुर्गियाँ भी दोस्तों सारी इस केज के अंदर घुसी हुई हैं। एक ये मुर्गी ढीली ढीली है, इसको पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, इसको मुझे बुखार लग रहा है। और एक ये दाना भी इसके काफ़ी बना हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या हुआ क्या है। शायद इसको किसी चीज़ ने काटा या पता नहीं क्या मसला है। एक तो धूप मेरी आँखों में पड़ रही है। मुर्गे को क्या हुआ है दोस्तों? अल्लाह अकबर, ओए 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 ओए, इस बेचारे को क्या हुआ है? ओहो, इसको इधर रखते हैं। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस मुर्गे को क्या हो गया था। अभी सुबह मैं दाना वगैरह डाल के गया हूँ, अच्छा खासा था, अचानक से पता नहीं इसको कोई चीज़ लड़ी है क्या हुआ है। ओए होए होए, इसको तो दोस्तों कोई बीमारी भी नहीं थी, अच्छा खासा था बेचारा। उसको तो बोला तक नहीं जा रहा दोस्तों, अचानक से मुर्गे को पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्तों मैं पहले चेक कर लूँ, इसे कोई चीज़ तो नहीं लड़ गई। इसकी तो बेचारे की गर्दन तक मुड़ गई हुई है। ओए होए, अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा लाडला मुर्गा था ये बेचारा। दोस्तों ये सुबह तक तो अच्छा खासा था, मैं सुबह आया हूँ, इनको दाना पानी डाला, ये रात सारी इस केज में बंद रहा है। ये भी बेचारी मुर्गी इसी के साथ ही थी। मुर्गे को पता नहीं क्या हो गया, मुर्गी तो अच्छी खासी है। और इनको अभी आगे मैंने सुबह पानी शानी डाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इनके इसके साथ हुआ क्या है। सुबह अच्छा खासा खोल के गया हूँ, इधर ही घूम फिर रहे थे, अभी आया तो दोस्तों इधर पड़ा हुआ मिला। मैं समझा कि शायद गर्मी की वजह से अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मैंने जब देखा तो बेचारा मरा पड़ा था, मेरा प्यारा मुर्गा। चलें दोस्तों, सबसे पहले अपनी मुर्गियों को दाना वगैरह डाल देता हूँ, फिर जाके इसको दफनाता हूँ। और कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, मुझे तो पता भी नहीं है, यह तो बीमार होता तो मैं इसका इलाज वगैरह करता, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हुआ क्या है। खैर मैं अपनी मुर्गियों को दाना डालने आया था, दाना वगैरह डाल देता हूँ ताकि ये अपना दाना तो खा लें कम से कम। तो खैर दोस्तों मुर्गियों को दाना वगैरह मैंने डाल दिया, ये लोग दाना वगैरह खा लेंगे। ये बॉक्स मैं लेकर आया हूँ, इस बॉक्स में इसको डाल के तो चलते हैं, जिसको कब्रिस्तान नहीं है हमारे घर के करीब ही है, तो इसको जाके वहाँ पे दफना के आ रहा हूँ। तो ये लें दोस्तों, मुर्गे को मैंने इस डब्बे में डाल लिया, अब लेकर जाता हूँ, इसको जाके दफना कर आता हूँ। तो दोस्तों मुर्गे को लेके मैं कब्रिस्तान में आ गया हूँ, अब किसी छांव वाली जगह में देख के तो इसको दफनाते हैं, जो वहाँ पे छांव लग रही है वहाँ पे दफनाते हैं इसको चल के। दोस्तों मुर्गे को मैंने दफना दिया, अब कब्रिस्तान में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाएंगे, तो फटाफट अपने सेटअप पर चलते हैं। तो दोस्तों मुर्गे को दफनाने के बाद तो मैं घर वापस आ गया था, लेकिन वापस आके मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं किया, मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। अभी भी मैं अपने जैक के साथ बैठा था, तो बोल बोल के मैं अपनी बातें वगैरह करके तो मैं इसके साथ वक्त अपना अच्छा गुजार रहा था। आपको भी अपने जैक की बोलियाँ सुनाता हूँ, समझ नहीं आएगा। हाँ मिठू मिठू, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो मिठू 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 मिठू, हाँ
अच्छा बैठो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मिठू के साथ बातें वगैरह करके मेरा मूड काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी भी दोस्तों ये देखें, ये वाली मुर्गी जो है ये अभी भी ढीली बैठी हुई है, ये देखिए किस तरह से गिरी हुई है। तो अभी भी दोस्तों मैं आपको बाकी मुर्गियां चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वाली दो मुर्गियां भी ढीली हैं, मैं सोच रहा हूँ आज इनको जो है अपना अलग बंद कर दूँ ताकि दूसरी मुर्गियों में इसकी बीमारी ट्रांसफ़र ना हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको क्या मसला क्या हुआ है। हालाँकि दाना पानी हर चीज़ मैं पूरी करता हूँ, एयर कूलर भी आप लोगों के सामने मैं चला के रखता हूँ इनके लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। कबूतर मेरे ख्याल दाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, इनका दाना ख़त्म हुआ है, इनको दाना डालते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों इनको दाना डालूँ। कबूतरों का दाना भी इधर ही कहीं पड़ा था, ये भी मेरे ख्याल ख़त्म हो चुका है। खैर दोस्तों, ये जो दाना जितना पड़ा ये इतना डाल देता हूँ, बाकी जो है फिर जाके ले आऊँगा मैं। दोस्तों बस इतना सही दाना बचा है, यही फ़िलहाल अभी कबूतरों को डाल देता हूँ, बाकी फिर मैं जाके मार्केट से ले आऊँगा। पानी भी काफ़ी पड़ा है इनके पास। तो दोस्तों आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। मुझसे मज़ीद वीडियो बनाई नहीं जा रही मुर्गे का, इतना मुर्गे की वजह से मेरा इतना मूड ऑफ हो चुका है कि दिल नहीं कर रहा मेरा वीडियो बनाने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे तो दोस्तों आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा है, उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी। खैर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।